हेलो स्टूडेंट, हम कॉन्डिक थाइसिस के बारे में पढ़ रहे थे। कॉन्डिक थाइस जो होती हैं कार्टिलेजिनस स्पीशीज थी, जिनके हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं देखे थे। उसी की आगे जो है आपने उनमें सुना नाम, शार्क्स होती हैं, स्केट्स होती हैं, रेज हैं, सो फिशेज हैं, काइमेरियाज हैं, ये सब फिशेज हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे आप इनको पहचान सकते हैं, तो आज हम उन्हीं के ऊपर जो है लेक्चर देखेंगे। तो पहला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट थाइस हैं वो उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो उनको टू सब क्लास के अंदर क्लासिफाई किया गया। सब क्लास वन जो है वो है इलास्मो ब्रांची, जिसमें शार्क्स आ जाती हैं, रेज हैं, स्केट्स हैं और सो फिशेज हैं। आप जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट टाइप, ये सभी जो हैं कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। सेकंड सब क्लास में होलोसिफेलाई जो हैं, जिनमें काइमेरियंस जो हैं वो आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे कार्टिलेजिनस फिशी हैं, लेकिन ये आपस में कितने डिफरेंशिएट हैं, एक इनमें बहुत सारा डिफरेंस जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनको नाम दे दिए गए हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइज हैं उनमें आप देखेंगे ये शार्क्स हैं, ठीक है, ये स्केट्स हैं, ये रेज हैं, ये शोफिशी हैं। आप देखेंगे इनकी इस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और ये काइमेरास हैं। तो पहली जो क्लास है दैट इज इलास्मो ब्रांच, ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। इनका हेड जो है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। इनके गिल्स में इंट्रा ब्रिंकल सेप्टम होता है, जिसके कारण ये गिल्स जो है आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। और इन गिल्स के नंबर जो होते हैं 5 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और हर एक जो है गिल स्लिट जो है वो ओपन सेपरेटली और डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इंट्रा। आप देख सकते हैं यहां पर ये सभी जो गिल्स हैं वो गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर इंडिपेंडेंटली खुल रहे हैं। गिल्स जो होते हैं इलास्मो ब्रांच के अंदर वो हेमी ब्रांचिया होता है। उसमें क्या होता है कि जो गिल होते हैं उनके वन साइड में ही लैमेली या फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अदर साइड में नहीं होते। सरफेस होता है जहां पर एक्सचेंज जो है वो गैसेस का हो पाता है। ऑपरेकुलम जो है वो एब्सेंट होता है, यानी कि अगर आप इनको देखेंगे तो इनको आपको ये गिल स्लिट जो है बाहर से दिखाई देंगे। ये जो गिल्स ओपनिंग है ये दिखाई देंगे, इनके ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती। इसके अलावा इनके हार्ट पे कॉनस आर्टेरियोसस भी प्रेजेंट होता है। ये वेंट्रिकल से जब आर्टरी जो अवे जाती है हार्ट में, यानी कि हार्ट से जो ब्लड को लेके जाती है, वहां पर ये एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, फ्रंट साइड में। एओर्टिक आर्क जो होती हैं 5 पेयर में होती हैं। अब हमें पता है 5 पेयर ऑफ गिल्स हैं, तो हर एक गिल्स के अंदर जो है एक एक एओर्टिक आर्क जो है, जो वेंट्रल एओर्टा से आर्टरी जो है गिल्स में जाती हैं, वो एओर्टिक आर्क जो है इनके अंदर 5 पेयर में प्रेजेंट होती है। इलास्मो ब्रांच जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। उनकी जो इंटेस्टाइन होती है साइज में छोटी होती है, और उस इंटेस्टाइन के अंदर वही स्पाइरल और स्क्रोल वाल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमने कॉन्डक्ट थेस के जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहां पर सारे ये देखे थे। तो ऐसा ही इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। स्टमक जो है वो डिस्टिंक्ट होता है कि उसमें कार्डियक और पाइलोरिक्स रीजन जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इंटरस्टाइनल सीकम जो है वो एब्सेंट होता है। गट के जहां पर भी जंक्शन है, चाहे वो फेरेंक से स्टमक में है, स्टमक से इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन से रेक्टम में है, उन जंक्शन पर वाल प्रेजेंट होते हैं। क्लोइका जो है वो प्रेजेंट होता है। ये आप प्रेजेंट होना, अब जब इसकी सेकेंड क्लास के बारे में होलोसिफेलाई के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाएगा।
तो ये सब चीजें जो हैं उनके अंदर होती हैं। जो इलाज्मा ब्रांच होते हैं उनके अंदर ऑप्टिक काइज्मा भी प्रेजेंट होता है, उनके अंदर स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। कि इसको स्विम ब्लैडर जो है मैंने पहले ही बताया था, इसमें एयर जो है वो फिल हो जाती है, तो वो जो है वो सिंक नहीं करता है, फिश जो है वो एक स्टेबल रहता है, तैरता हुआ रहता है एक सॉरी सरफेस के ऊपर। लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, हमने बताया था लगातार अपने आप को स्विमिंग पोस्चर में रखते हैं ताकि वो जो है एक वाटर जो है अंदर एंटर करता रहे माउथ से नोस्ट्रिल से, और वो रेस्पिरेशन जो है वो होता रहता है और वो सिंक भी नहीं करते हैं। दूसरा उनके अंदर कहता है लीवर में ऑयल की जो है वो फैट जो है वो रिजर्व फॉर्म में रहता है, और ये फैट जो है इनको एक तरह से बॉयंसी भी प्रोवाइड करता है। टेस्टिस जो होती हैं वो किडनी के साथ कनेक्टेड होती हैं, किडनी इलोंगेटेड होती है और नैरो होती है, जिसका एंटीरियर पार्ट जो है वो नॉन रीनल यानी कि एक्सक्रीशन में वर्क नहीं करता है, लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो रीनल एक्सक्रीटरी फंक्शन प्ले करता है। एग्स जो है वो लार्ज साइज के होते हैं, कुछ एक स्पीसीज को छोड़ के उनमें जो है जिनके एग्स जो है छोटे साइज के होते हैं, और उनके चारों तरफ हॉर्नी केस जो है वो प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट जो होती है वो विद इन ओविडक्ट होती हैं, और यंग वंस जो है वो बोर्न आउट होते हैं। ठीक है, तो विवीपैरस जो है ये होते हैं। सेकेंड जो क्लास है होलोसिफेलाई, होलोसिफेलाई का मतलब भी है कंप्लीट हेड, जो कि इलाज्मो ब्रांच के अंदर जो था वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन था, यहाँ पर कंप्लीट हेड प्रेजेंट है, और इनको यू कॉन्ड्रोसिफेलाई भी बोल देते हैं। इनको इनके अंदर जो है वो रेड टेल फिशेज जो है वो आती हैं, रेड जैसी टेल होती है उनकी। बॉडी की अपीयरेंस शार्क लाइक होती है, लेकिन हेड का साइज जो है बड़ा होता है और कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, और माउथ का साइज जो है वो छोटा होता है। शार्क जो होते हैं उनके माउथ बहुत बड़े होते हैं, वाइड माउथ होता है वेंट्रल साइड में। इनका जो हेड बड़ा होता है लेकिन माउथ का साइज कंपेरेटिवली छोटा होता है। ये कार्टिलेजिनस फिशीज के अंदर ही आते हैं, और इनके जो गिल्स हैं उनके ऊपर एक फ्लैशी ऑपरिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि हमने इलाज्मा ब्रांच में देखा था ये ऑपरिकुलम एब्सेंट था। ऑपरिकुलम नॉर्मली जो है स्किन की फोल्डिंग से ही बनता है, जो कि गिल स्लिट को कवर करके रखता है, सो दैट ए सिंगल ब्रेंकियल अपर्चर जो है वो दिख सके। अगर देखो कोई पोर्स है उनको कोई स्किन कवर कर ले, कोई चीज कवर कर ले, तो एक सिंगल ओपनिंग रह जाती है जो उन सारी ओपनिंग को कवर कर लेती है ना, तो इसी तरह से इसमें भी सिंगल ब्रेंकियल अपर्चर जो है वो देखने को मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑपरिकुलम। इनके अंदर जो फ्रंटर क्लास पर ये एक अनयूजुअल सा फीचर है इनके अंदर देखने को मिलता है। नॉर्मली जो है वो हमने देखा था पेल्विक फिन में ये क्लास्पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं मेल के अंदर, लेकिन इनके अंदर कुछ अनयूजुअल फ्रंटल क्लास्पर भी, जो कि फ्रंट साइड में हो सकते हैं, सरफेस के हेड के ऊपर भी हो सकते हैं ये। ठीक है, जो इसके अलावा जो है इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को, जिसको फ्रंटल क्लास्पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि होलोसिफेलाई के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके अंदर स्केल जो है वो एब्सेंट होते हैं। ध्यान हो कि हमने बताया था प्लेकोइड स्केल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर स्केल एब्सेंट है, स्पाइरेकल एब्सेंट है, कोई एयर ब्लैडर नहीं है, कोई क्लोइका नहीं है। क्लोइका हमने बताया था एक रीजन है जहां पर एनस खुलता है, और ये क्लोइका बाहर की तरफ क्लोइकल अपर्चर के द्वारा एक्सटीरियर में खुलता है, और क्लोइका हमने बताया था रिप्रोडक्शन में और डाइजेशन दोनों में जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट होता है, लेकिन होलोसिफेलाई के अंदर ये क्लोइका जो है वो एब्सेंट होता है। ये इस तरह के होलोसिफेलाई जो है मेरस जो है वो देखने को मिलते हैं।
एंडोस्केल्टन वही कार्टिलेजिनस होता है और इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है जिसके कारण बॉडी स्टिफ होती है। परसिस्टेंट जो है नोटोकोर्ड देखने को मिलती है और ये वर्टिब्री जो है वो पुअरली डेवलप होती है। इसी कारण नोटोकोर्ड जो है वो हम कह सकते हैं कंस्ट्रिक्टेड अनकंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होती है। नॉर्मली क्या होता है नोटोकोर्ड जो है रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्री में। होलोस्टाइलिक जा सस्पेंशन होता है जिसमें क्या होता है कि अपर जा जो है क्रेनियम के साथ इमूवेबली यूनाइट हो जाता है, ठीक है। और नाम इसीलिए इसको होलोसिफेलाई भी दे दिया जाता है क्योंकि जो अपर जा है वो जुड़ा हुआ होता है विद क्रेनियम और उसमें कोई मूवमेंट जो है वो नहीं हो सकती। उसके बाद आता है इसके अंदर नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं टीथ जो है वो प्लेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। प्लेकोइड की मॉडिफिकेशन हमने देखी थी उसके टीथ बनते रहते हैं और वो रिप्लेस होते रहते हैं, नए टीथ बनते हैं और पुराने टीथ जो है वो शेड हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है टीथ जो है आपस में जुड़कर एक क्रशिंग प्लेट बना लेते हैं और जिसके ऊपर कोई एनिमल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। और ये स्पेशल अडेप्टेशन होती है इनके अंदर कि मोलस्क्स को क्रस्टेशंस को सी अर्चिन जैसे जो भी इनका फूड है उसको क्रश कर सके, ठीक है, क्योंकि उनके चारों तरफ शेल होता है, उस शेल को क्रश करने के लिए इनके टीथ जो है वो मॉडिफाई होकर प्लेट बना लेते हैं। मीडियन और पेयर्ड फिन जो है वेल डेवलप्ड होते हैं, इनके अंदर थिक होते हैं। नॉर्मल आप देखेंगे अदर जो कार्टिलेजिनस फिशियों से कंपेयर करेंगे तो इनके जो है थिक फिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर स्टमक जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, जबकि स्टमक जो हमने बताया था यूनिक जे शेप स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। इलास्मो ब्रांच में हमने देखा पाइलोरिक और कार्डिक डिफरेंशिएशन भी होता है लेकिन होलोसेफेलाई के अंदर जो है ये एब्सेंट होता है। और इंटेस्टाइन में वही स्पाइरल वाल प्रेजेंट होते हैं जिनका हमें पता है फंक्शन कि वो जो एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। शार्क्स अब हम पढ़ेंगे इनके बीच में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये शार्क है, ये स्केट है, ये रेज हैं, ये काइमेरास हैं। तो शार्क जो होते हैं उनकी बॉडी आप देखेंगे ऐसी फ्यूजी फॉर्म बॉडी होती है लॉन्ग, ठीक है। इनकी अगर स्किन को आप टच करेंगे तो आपको सैंड पेपर जैसी रफनेस दिखाई देगी, महसूस होगी, ठीक है। और ये होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है, जिनको डर्मल डेंटिकल्स भी बोल देते हैं। शार्क की कुछ स्पीसीज के अंदर जो है स्पाइरेकल जो है वो स्पाइरेकल प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनके अंदर ये वाटर को रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ले जाने में हेल्प करते हैं जब शार्क जो है रेस्टिंग पोजीशन पर होता है। अगर आपको ध्यान हो रेस्पिरेशन में हमने बताया था माउथ के द्वारा जो है रेस्पिरेशन होता है, माउथ खुलता है, जो ब्रिंक कैविटी होती है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, स्लिट जो है गिल स्लिट्स क्लोज हो जाते हैं, इस तरह से प्रोसेसिंग होती है जिसके कारण जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन अगर वो रेस्टिंग पोजीशन में है तो माउथ के थ्रू जो है पानी एंटर नहीं करता, वो स्पाइरेकल जो है वो स्मॉल पोर्स होते हैं जो हमने बताया था मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं फर्स्ट गिल क्लेफ्ट के, गिल स्लिट के, तो स्पाइरेकल जो है उनके थ्रू भी जो है वाटर की मूवमेंट हो जाती है जिसके कारण वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। नॉर्मली शार्क जो है वो स्विमिंग पोस्चर में रहते हैं ताकि लगातार वाटर को पंप कर सकें टूवर्ड्स गिल्स की तरफ। और दूसरा हमने बताया था इनके अंदर स्विम ब्लैडर या जो एयर ब्लैडर है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए भी इनको लगातार जो है वो कीप स्विमिंग करनी पड़ती है। शार्क जो होते हैं उनके अंदर ऊपर जो है स्मॉल आपको एक और स्ट्रक्चर मैंने बताया था, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर एंटीरियर एंड में, ठीक है,
नोज आई और माउथ के आसपास होते हैं, और ये स्पोर्ट्स जो हैं जिनको एम्पली ऑफ लॉरेंजनी बोला था, ये सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन कहलाते हैं, जो पानी के अंदर के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। ये स्विम करते हैं बाय मूविंग देयर टेल्स एंड हेड, ठीक है। फिन के द्वारा इनकी स्विमिंग में हेल्प नहीं होती, स्विमिंग में ये सिर्फ हेड और टेल की मूवमेंट के द्वारा जो है स्विम कर पाते हैं। फिन्स का काम जो है इनको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। शार्क जो होते हैं वो ओवीपैरस होते हैं, एगलिंग होते हैं, स्पीसीज होती हैं, और कुछ जो है वो वीवीपैरस भी होते हैं जो कि लाइफ बियरिंग होते हैं, ठीक है। शार्क जो है आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये इनका स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं, इनका माउथ जो है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, ये इनके अंदर डोर्सल फिन, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, ठीक है, और इनके ऊपर डर्मल स्केल्स जिसको हम क्या प्लेकोइड स्केल बोलते हैं, और ये कोडल फिन, टेल जो है हेट्रोसेक्रल टेल जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्केट्स। स्केट्स जो हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, ब्राउनिश डीप वाटर के अंदर, सॉरी ब्राउनिश कलर के या ग्रेइश कलर के होते हैं ये। तो स्केट्स जो हैं वो साइज में छोटे होते हैं, इनका कलर ब्राउनिश ग्रेइश सा होता है, और ये डीप वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। स्केट्स जो हैं ये फिशेस जो हैं इनका आप देखेंगे राउंडेड टू डायमंड शेप, डायमंड का शेप अगर आप देखेंगे वैसी फॉर्म में ये इनकी जो है वो शेप होती है। इनके जो पेक्टोरल फिन होते हैं वो बहुत बड़े हैं, आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ से जो स्टाउट से शुरू होकर स्नाउट से शुरू होकर ये बेस तक सिलेंडर, इस जो टेल है इसके बेस तक जो है वो फैले हुए होते हैं। इनका में जो है शार्प और पॉइंटेड नोज प्रेजेंट होती है जो कि क्रेनियल प्रोजेक्शन, जिसमें रोस्ट्रल कार्टिलेज होती है उसकी प्रोजेक्शन होती है, जिसके कारण ये थोड़ी शार्प और लॉन्ग और मोर पॉइंटेड नोज जो है इनके अंदर देखने को मिलती है। इनमें स्पाइनी और थोन लाइक स्ट्रक्चर जो है ऑन द सरफेस पर आप देखेंगे, यहाँ ये थोन लाइक स्ट्रक्चर जो है सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये इसकी डोर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड जो है आप देख सकते हैं। तो ये थोन लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इनके अंदर वीक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि रेज, इलेक्ट्रिक रेज के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और वो बहुत ही डेंजरस होता है कि इतना करंट वो इमिट करते हैं कि ह्यूमन जो है वो डेड, कॉज डेथ। और ये एक तरह से इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं जो कि इनकी टेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये आप देखेंगे पॉइंटेड स्नाउट है, थोन जो है वो स्नाउट के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये गिल्स ओपनिंग है जो कि वेंट्रल साइड में देखने को मिल रही है। इनके अंदर ये पेक्टोरल फिन है, बहुत बड़ा होता है, और ये पेल्विक फिन है, ठीक है, और ये टेल होती है। पेल्विक फिन सिंगल लोब का होता है, पेक्टोरल फिन बहुत बड़ा है, ये पेल्विक फिन में एक ही लोब होता है। टिपिकल जो स्केट्स होते हैं उनके अंदर कहता है कोडल फिन भी प्रेजेंट होता है एंड में आप देखेंगे, और टू डोर्सल फिन जो है वो देखने को मिलते हैं, पहला ये है दूसरा ये है, ठीक है। माउथ और गिल ओपनिंग जो होती हैं, जितने भी स्केट्स होते हैं वो हमने देखा अंडर साइड में प्रेजेंट होती है, और उनमें जो टीथ होते हैं वो शॉर्ट छोटे छोटे होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं। ये एग ले करते हैं, और एग जो होते हैं आपने कल भी हमने देखा था जब हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था, ये ममेड्स पर्स जिसको डेविल पर्स भी बोल देते हैं
उनके अंदर जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं, और उसी पर्स के अंदर, एनवेल्प के अंदर जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस हो जाता है और वो जो है पप्स जो है वो हैच बाहर आ जाते हैं। लार्ज पेक्टोरल फिन जो है वो स्विमिंग में यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें हेड नहीं यूज हो रहा, जैसे कि शार्क्स की हमने देखा कि वहां पर वो बॉडी टेल उनकी मूव करती है जिसके कारण वो स्विमिंग करते थे। ये स्केट जो होते हैं इनके अंदर पेक्टोरल फिन जो बड़ा होता है उसके कारण जो है स्विमिंग करते हैं। जो पेल्विक फिन होता है वो एक तरह से लेग का वर्क करता है और वो वॉकिंग कर सकते हैं बॉटम के ऊपर स्केट। ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर है। अब रेज, अब आप देखेंगे कि स्केट्स और रेज दिखने में सेम है, इनमें भी डिफरेंस है। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज आती है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप देखेंगे कि जो रेज हैं वो साइज में बड़ी है एज कंपेयर टू स्केट्स की, कलरफुल है, वो आपने देखा डल कलर के थे, और ये शेलो वाटर में मिलते हैं, वो डीप वाटर में जो है वो मिल रहे थे। इनके बीच में आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, गिल्स ओपनिंग जो है लोअर सरफेस पे होती हैं जैसे कि स्केट्स में थी, आईज जो रेज की होती है वो डोर्सल सरफेस पर होती हैं, और इनके अंदर जो नोज होती है वो छोटी होती है और लेस पॉइंटेड होती है। ठीक है, जबकि जो स्केट्स थे उनके अंदर लॉन्ग और पॉइंटेड नोज जो है वो प्रेजेंट थी। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ऊपर जो है कुछ आर्म्ड जो है थोन हो सकते हैं, ट्यूबेकल्स हो सकते हैं, प्रिकल्स हो सकते हैं, जो कि मॉडिफिकेशन होती है स्केल की। एग्जैक्टली जो स्केल्स होते हैं प्लेक्यूर्ड स्केल जो है वो नहीं होते हैं। टेल इनकी लॉन्ग होती है। ठीक है, जो स्केट्स थे उनकी टेल शॉर्ट होती है और थिक होती है, इनकी टेल लॉन्ग होती है और फ्लेक्सीबल होती है, और आप देखेंगे इनकी टेल के ऊपर जो है आपको ये सॉ लाइक स्ट्रक्चर जैसे आरी होती है ना उसकी तरह पॉइंटेड सी आपको स्पाइन जो है वो देखने को मिलते हैं, और ये सॉ लाइक टूथ स्पाइन जो होते हैं ये पॉइजनस ग्लैंड होती है इनके अंदर, एक तरह से डिफेंस में हेल्प करते हैं। इनका पेल्विक जो लोब होता है फिन होता है उसमें टू लोब्स होते हैं, जो स्केट्स थे उनके सिंगल लोब प्रेजेंट था, और इनमें प्लेट जो है वही माउथ के अंदर जो है टीथ जो है वो प्लेट फॉर्म में होते हैं, वही फॉर क्रशिंग प्रेज को। इलेक्ट्रिक रेज जो होती है उनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड। शॉफिश होती है, ये आप देखेंगे ये शॉफिश हैं, ये भी रेज हैं एक तरह से, इनकी जो है स्नाउट जो है लंबी हो जाती है। ठीक है, और वो लॉन्ग हो जाती है, उसके ऊपर आप देखेंगे फ्लैट ब्लेड आर्म्स आइदर साइड ऑफ टीथ लाइक जो है वो दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि सॉ होती है, आरी जो होती है। ये बहुत ही ग्रेसफुली जो है अंडुलेटिंग मूवमेंट के द्वारा पेक्टोरल फिन के ये वाटर के अंदर जो है मूव करते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये तैर रहे होते हैं, सॉरी फ्लाई कर रहे होते हैं वाटर के अंदर। और ये जो समटाइम एक स्पेक्टुलर लैप फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ऑल रेज जो होती है उनकी फ्लैटेंड बॉडी होती है, और इनको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमने बताया राउंड डायमंड और ट्रायंगुलर शेप की जो है इनकी बॉडी का स्ट्रक शेप होती है। इनका मेथड ऑफ स्विमिंग जो है वो हमने बताया पेक्टोरल फिन्स के द्वारा मूव कर सकते हैं। टेल की थिकनेस ये बहुत थिन होती हैं, लॉन्ग टेल जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और उसके ऊपर स्ट्रिंग्स या बार्ब्स जो हैं आप देखेंगे टेल के ऊपर जो हैं स्ट्रिंग्स और बार्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, और बाईलोब जो है पेल्विक फिन प्रेजेंट होता है, पेक्टोरल फिन लार्ज होता है। ठीक है, ये आईज हैं, ये सब जो है स्ट्रक्चर जो है रेज के अंदर देखने को। उसके बाद आते हैं काइमेरियास। काइमेरास जो होते हैं वो उनके अंदर सिंगल एक्सटर्नल गिल ओपनिंग होती है। अब आप देख सकते हैं जो इलास्मोब्रैंक्स थे, चाहे वो स्केट्स थे, चाहे वो शार्क्स थे, चाहे वो रेज थे, उन सब में क्या थी, गिल्स जो है वो अलग अलग ओपनिंग, सेपरेट ओपनिंग थी, यहाँ पर सिंगल ओपनिंग होती है। अडल्ट की स्किन जो है
और इस साइड से देखेंगे हेड स्मूथ होती है क्योंकि उसमें स्केल प्रेजेंट नहीं होती। टीथ जो है वो सिक्स पेयर ऑफ ग्राइंडिंग प्लेट से मिलकर बने होते हैं। डोर्सल फिन जो है आप देख सकते हैं, इसका जो डोर्सल फिन है वो इरेक्टाइल होता है, इरेक्टेड होता है, खड़ा बिल्कुल सीधा दिख रहा है और उसके ऊपर स्पाइन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकेंगे ये फर्स्ट डोर्सल फिन है और ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर देखने को मिलता है। मेल कैमेराज जो है उनमें क्लास्पर होते हैं, वही जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक इरेक्टाइल क्लास्पिंग डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं टेंटेकुलम, और ये फ्रंट साइड में भी हो सकता है और ये ऑन द हेड जो है वो भी प्रेजेंट हो सकता है। ये पानी जो है इनमें नोस्ट्रिल के थ्रू जो है वो गिल्स तक पहुंचता है और माउथ जो है उस समय क्लोज रहता है। डायरेक्टली जो है नोस्ट्रिल से पानी गिल्स में पहुंच जाता है। शार्क की तरह अगर आप इनके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो बहुत ही वल्नरेबल कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे ये स्लो ग्रोइंग होते हैं, ये भी यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो लेट तक जो है वो आती है और लॉन्ग लिव्ड होते हैं ये। अब आता है डिफरेंस कैसे करोगे आप, ये स्केट्स हैं या रेज हैं। तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये एक स्टिंग रे का स्ट्रक्चर है और ये स्केट का है, और काफी सिमिलरिटी जो है इनके अंदर देखने को मिलती है कि डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, गिल स्लिट जो है वो वेंट्रल साइड में है, स्पाइरिकल जो है वो टॉप हेड के टिप पे प्रेजेंट होते हैं और वाटर को जो है डायरेक्ट करते हैं पानी को, और ये स्लज फ्रॉम क्लगिंग जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है स्पाइरिकल, उनको किसी तरह की कोई क्लोटिंग ना हो जाए, उसमें बंद क्लोग ना हो जाए, उनसे बचाते हैं। ये हमने देखा था इनके टीथ जो है वो प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि अडाप्टेशन है क्रशिंग के लिए। तो आप स्ट्रक्चरली देखेंगे पेक्टोरल फिन बड़ा है, पेल्विक फिन जो है वो छोटे हैं, टेल जो है उसके ऊपर स्पाइन प्रेजेंट है। इस तरह से जो है बहुत सिमिलरिटी जो है उनके अंदर देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफरेंस भी दिखाई देता है। यहां तक आप देखेंगे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो पेल्विक फिन जो है यहाँ पर सिंगल लोब है, यहाँ पर बाई लोब है। ठीक है, और यहाँ पर इनकी जो टेल है वो लॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, उसके ऊपर स्पाइन प्रेजेंट है। इनकी टेल जो होती है थिक होती है, शॉर्ट होती है, और उसके ऊपर टू डोर्सल फिन होते हैं और एंड पर कोडल फिन प्रेजेंट होता है इन स्केट्स के अंदर। डिफरेंस अगर आप देखना चाहेंगे तो डिफरेंस में आप देखेंगे कि स्केट्स के अंदर जो है वो स्टिंग नहीं होती हैं, उनके अंदर शार्प बार्ब्स होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं टेल के ऊपर जो डिफेंस में हेल्प करते हैं। स्केट्स की टेल जो है वो चौड़ी वाइड होती है, ठीक है, और उसके ऊपर विद स्मॉल फिन नियर द टिप ऑफ द टेल, ठीक है, और इलोंगेटेड जो है इनके अंदर हमने बताया था नोज जो है, स्केट का जो शेप होती है वो राउंड और ट्राइंगुलर होती है और उसके ऊपर इलोंगेटेड नोज प्रेजेंट होती है। रेज जो होती हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, उनकी थिन टेल होती है और उसके ऊपर बार्ब स्टिंग जो है वो प्रेजेंट होती हैं। टेल के ऊपर हमने बताया था वेमन ग्लैंड्स जो पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और वो इतना पेनफुल टॉक्सिक सीक्रेट करते हैं कि अगर किसी को काट ले तो उसकी डेथ हो सकती है, और ये डायमंड शेप के जो है वो होते हैं रेज जो होते हैं। जो मेजर डिफरेंस है स्केट और रेज के बीच में वो है उनका कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रेज जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं जो कि लाइफ बियरिंग होते हैं, और स्केट्स जो होते हैं ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, और उनमें हमने देखा था ये ममेड पर्स जो डेविल पर्स जिसको बोल देते हैं उनके अंदर जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो पूरी करते हैं। तो ये एक स्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये उनके अंदर पेक्टोरल पेल्विक और ये क्लास्पर्स और ये उनके अंदर डोर्सल फिन और ये कोडल फिन प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये
रेज हैं जिसमें बिल्कुल सेम एंटीरियर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि स्केट्स के अंदर एंटीरियर स्नाउट के अंदर जो स्टाउट के अंदर जो हैं ये थोन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें ये प्रेजेंट नहीं होते। इनके यहाँ पर थोन जो हैं पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये पूरी टेल के ऊपर जो हैं वो बार्ब्स स्ट्रिंग्स होते हैं। बाकी स्ट्रक्चर जो है काफी कुछ इनके अंदर सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, क्लासिफिकेशन हुई कि कॉन्डक्ट थाइस की क्लासिफिकेशन में हमने बताया टू क्लास होती हैं और हम इनके बीच में रेस केट्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि कैसे इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन शार्क्स, स्केट्स, रेज एंड काइमेरास। थैंक यू।